एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सिर्फ एक फ़ोटो है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी वैसी नहीं होती जैसे डिस्क्राइब करी जाती है। बिसाइड ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तुम, मैं जा रहा हूँ और दोबारा ना फिर किसी के घर के सामने ऐसे मत रहना, तुम्हें पकड़ा जा सकता है। वो इतनी जल्दी में था मुझे छोड़ के घर जाने की, व्हाट द हैक, क्या ये मुझसे इतनी नफरत करता है? ऑर्डिनरी लर्निंग मटीरियल, दर्द हो रहा है, नो वे, क्या सारे कमेंट फेक ऑर्डर से जनरेट करे गए हैं? अगर मैं होटल चला देता उस गाय के लड़के के साथ लास्ट टाइम, क्या फिर काउंटर प्रोडक्टिव नहीं हो जाता? फॉर्चुनेटली मैं ना सोंकी से मिल गया। मैं बार बार उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? एक हफ्ते बाद अब नॉर्मल वेयर हाउस, मेरी बॉडी अभी भी, अरे यार गाना गा रहा है ये, लीपू है ड्रमर, चैंगन गिटारिस्ट है, शाहजम बेसिस्ट है, टोंट लिप में बेबे सॉन्ग के लीड वोकलिस्ट है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जिन्होंने ऑडिशन के लिए साइन करा था स्टार ऑफ टुमारो। ये हमारी टर्न नहीं आएगी जब तक नेक्स्ट फ्राइडे तक, तो यहाँ पे ट्रेन करते हैं जितना हमसे हो पाए उतना। हमारे स्किल्स के साथ यहाँ पे एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ऑडिशन के साथ। यस, तुम्हारा ये सॉन्गसी के साथ क्या हो रहा है? हार्ट ब्रोकन है क्या? आजकल इसकी जो सिंगिंग है ना वो बहुत टैलेंट है और सेंस ऑफ बेटर वुमन उठ का है। ये तुम हो कुछ जो ज़्यादा बातें करे, पूरे दिन भर बकबक करते रहते हो, जाओ अपना खुद का काम करो ना। बट ये थोड़ा सा आउट ऑफ बिट नहीं है लेटली? डेफिनेटली। ये कार यहाँ पे कैसे आ गई? मैं कुछ दिनों से कंपनी नहीं गया, क्या मैं जाने से पहले हेलो कहूँ? क्योंकि यहाँ आ चुका हूँ, बट इस समय हीरो वो तो अभी रेस्ट कर रहा होगा ना। हेलो शाची, ड्रैगन प्लेट, ये जो खुशबू उस पर ये जाने पहचाने क्यों लग रही है? 3 घंटे पहले जब मैं काम से छूटा था, हेलो क्या तुमने मुझे बोला? ये आदमी उस दिन का, क्या जान इसे कैसे पता लगा कि मैं काम करता हूँ? क्या तुम्हारे पास अभी समय है? चलो एक साथ डिनर करते हैं। सॉरी मैं सच में तुम्हें नहीं जानता, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका सेम सरनेम है, शायद ही लो तुम जो जानते हो वो मेरे जैसा ही है, एक जैसा, मतलब कुछ तरह एक जैसा। तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो? हे मैं लीड वाले रोल के अंदर ना घुसो मत, क्या शहचनवा नहीं हो? कहाँ मुझे देखना था, कार में आ जाओ पहले, ये सही नहीं है हमारा ऐसे बात करना। ओके अगर हमें फिर से किसी ने फोटो ले ली, कौन जाने मीडिया क्या लिखेगी। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे सीट बेल्ट के बारे में बताना चाहता था। चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें कुछ समय से नहीं देखा और तुमसे बातें करना चाहता था। ओह 3 साल पहले जब मैं हॉस्पिटल में था कोई भी मुझे देखने नहीं आया, और अब शांचे अचानक से आ रहा है और कह रहा है कि वो मुझे जानता है। जो नर्स ने हॉस्पिटल में कहा था कि मैंने एम्बुलेंस को खुद ही कॉल करा था, शायद तुम डेथ के क्लोज थे और तुम्हारा एंड रिग्रेट्स के साथ हो रहा है, पछतावे के साथ। मुझे याद है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग टी पसंद है, ये टी लीव्स है मेरे फ्रेंड की फ्रेंड से, अगर तुम्हें पसंद है मैं तुम्हारे लिए और लेकर आऊँगा अगली बारी, कोई ज़रूरत नहीं, थैंक यू। मेरा प्रेफरेंस एक्चुअली समझ पाना, शायद ये सच में मुझे जानता है। मैं ना SCT में कुछ समय के लिए एक शो रिकॉर्ड करूँगा, तो क्या मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर ले सकता हूँ? ये उस रास्ते सही होगा कि मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट करूँ। ये टी सच में बहुत अच्छी है, तुमने अभी कहा कुछ भी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। माइट एज वेल मेरे असिस्टेंट से कहता हूँ कि मेरे चेक करें फिर से। थैंक यू मुझे घर लाने के लिए। हेलो तुम्हारा फ़ोन, हेलो क्या तुम्हें सच में मैं याद नहीं हूँ? बट लकीली मैंने तुम्हें एटलीस्ट ढूंढ लिया। इसने अचानक से मुझे हक क्यों करा और ये सारी चीज़ें कही? एक शॉकिंग काफ़ी नहीं था क्या मेरे मुसीबत के लिए? और अब ये सब क्या है? हाँ क्या पे कुछ गलत है? ये कंपनी कुछ दिनों से आ नहीं रहा था क्या? ये तो नहीं इंटरोगेशन के फॉर्म की वजह से, ये थोड़ा डिसमिस सा नहीं लग रहा? ये लेट हो चुका है, चलो कल बात करेंगे जो भी हो। सॉन्ग की बाहर निकलो, तुम क्या मैनेज कर रहे हो? अब फिर से एक्ट कर रहे हो, एक इनोसेंट लुक दिखा रहे हो हैं जो पीटी को प्रोवोक करता है। तुम सच में काफ़ी नहीं ले पाते ना डायरेक्टली, बट मैंने ये सारे लिटिल ट्रिक्स ना बहुत देख ली, आज रात में तुम्हें जाने नहीं दूंगा। शाहचंद ठीक है, वो आदमी में जो पार था वो भी ठीक है, तो मैं क्यों नहीं? मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या बोल रहे हो, प्लीज़ मेरे घर से अभी जाओ। डायरेक्टरी तुम बहुत डर्टी हो और तुम्हारा कोट भी। सॉन्ग की इस घटिया स्मेल के लिए, क्या तुम इस यहाँ पर घटिया स्मेल, क्या तुम स्मेल नहीं कर पा रहे? तो मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ उसे क्लीन करने की,
बास्टर्ड, अगर तुम ये ऐसे ही करते रहे, अपने आप को दूसरे आदमियों की तरफ मतलब फेंकते हो, उन्हें कुछ भी करने देते हो, और मेरे सामने तुम इतना खोसली एक्ट फ्रंट करते हो, ये सच में मुझे गुस्सा दिलाता है। मैं फिर से कहूँगा, मुझे जाने दो। सॉन्ग की, सॉन्ग की, क्या तुम पागल हो चुके हो? हाँ मुझे लगता है मैं पागल हो चुका हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम एक मिनट में देख लोगे। हाँ क्या यही तो तुम चाहते थे? एक आदमी, तुम क्यों प्रटेंड कर रहे हो? तुम बहुत प्लीज हो गए ना इस करंट सिचुएशन से? हाँ हे वो, सर में दर्द हो रहा है। लाए क्यों? ओह तुम एक आदमी हो, तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो? तुम मुझे नहीं रोक रहे हो और तुम मेरे बारे में ख्याल भी सोच रहे हो? थैंकफुली मैं होश में था, वरना तुम सच में डिस्गस्टिंग हो। मैंने नहीं, ये ऐसा नहीं है, मैं सच में उस तरह का इंसान नहीं हूँ। हेलो तुम, हेलो तुम्हें आदमी पसंद है? तुम मुझे पसंद करते हो? तुम इसे ऐसे पसंद करते हो? घटिया, नहीं ये ठीक नहीं है। हेलो हेलो तुम्हारे साथ क्या हो गया? मुझे डराओ मत हेलो, मुझे जाने दो, जाने दो। क्या तुम ठीक हो? अभी अभी मुझे टच मत करो। सॉन्ग की, मैं क्या करूँ? मैं सच में आदमी को पसंद करता हूँ, मैं डिस्गस्टिंग हूँ। क्या तुम एक ईडियट हो? ये लड़का, डैम इट, इसका एक्सप्रेशन, मैं सच में सॉरी हूँ, मैं गलत था। आज रात क्या तुम रुक सकते हो? हेलो आखिरकार तुम्हें ऐसे क्या सहा है? वेल गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। वेट एक मिनट रुको, तुम अपने कपड़े क्यों नहीं पहन रहे? और तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? और मेरे कपड़े कहाँ हैं? क्यों कपड़े पहने? क्या थोड़ा फॉर्मल नहीं होगा? जा कपड़े पहनो कुछ। और राइट लास्ट ने तुमने कहा था कि तुम इतने गर्मी लग रहे हो, तो मैंने तुम्हारी मदद करी उन्हें उतारने के लिए। रियली तुमसे झूठ बोल, ये सिर्फ ऐसी बातें करना होगा, गर्मी लग रही है? तुम्हें रियलाइज भी नहीं तुम कितने वायल थे जब तुम सो रहे थे। रियली मैं बिलीव नहीं कर रहा, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तुम इतना ईजी नहीं है तुम्हें पागल बनाना। अब मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तुम अब जा सकते हो। ओह बैंग, ये अभी तक चला गया होगा ना? राइट अभी भी दल मुझे अभी भी यूज नहीं हो कि कोई दूसरे इंसान हो घर पे। तुम इतने लंबे समय तक के लिए शावर लेते हो? मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ, खा लो जब ये गर्म है। क्या मैंने तुम्हें बोला नहीं था जाने के लिए? मुझे याद है यहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट शॉप नहीं है मेरी जगह के आसपास, तो मैंने कभी नोटिस क्यों नहीं करा? ये कितना क्यूट है। क्या शांत चाहिए तुम्हारे लिए फॉरेस्ट लेकर आया कभी? तुम कहाँ गए थे सुबह से? तुम्हारे फ़ोन को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तुम कहीं अपनी ज़िंदगी के मज़े तो नहीं ले रहे? तुम तीनों के तीनों ऑलरेडी कॉम्पिटिशन वैन में, तुम कब आओगे? जल्दी अब प्लीज़ वेलकम करो 01 बैंड का, 01 01 11 11। सॉन्ग की तुम तो बहुत हाई स्पिरिट में लग रहे हो आज, क्या कोई गुड न्यूज़ है क्या? मुझे लगता है कि मैंने कुछ गेस कर लिया। शट अप। हेलो मैं एजेंट हूँ जिंगजी कंपनी से, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस कुछ समय के लिए देख रहा था, क्या तुम इंटरेस्टेड हो हमारे साथ साइन अप करने के लिए? जेंगजी, क्या वो जेंगजी जो एजेंसी जहाँ पे बिग स्टार सेची है? गाइस हम फेमस होने वाले हैं, सॉरी हमारे पास कोई प्लान्स नहीं है अभी इस समय कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का। वेल तो फिर मैं आपके साथ फ्यूचर में काम करने की अपॉर्चुनिटी को इंतज़ार करूँगा। शौंकी तो मैं ऐसी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे मना कर सकते? कौन जाने कि वो एक स्कैमर आर्टिस्ट है, एक बार हमारे पास और पॉपुलरिटी होगी, हमें चिंता नहीं करनी पड़ेगी साइन करने की एक रेपुटेशन एजेंसी की। राइट तुम सही हो, हमारे स्ट्रॉन्ग टैलेंट और अच्छे लुक्स के साथ हमारी डिमांड होगी जहाँ भी हम जाएंगे। भूल जाओ, चलो सेलिब्रेट करते हैं हमारे सक्सेस एडवांस में आज। श्याची, मैं श्याची हूँ, क्या मैं तुम्हें देखने आ जा सकता हूँ? मैं कार में हूँ, मैं तुम्हारी जगह से गुजरूंगा, मैं वहाँ 10 मिनट में आऊँगा। मैं आ गया। नोट, ये एक पोस्ट एक्शन है, अपने फ़ोन के साथ ड्राइव करते हुए खेलना मत। तुम ये आ गए, मैं सिर्फ तुम्हें मैसेज करने वाला था। ये लो वो टी लिप्स जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस करा था लास्ट टाइम लेकर आऊँगा। और थैंक यू, तुम्हें ये सब मेरे पास लाने के लिए खुद आने की ज़रूरत नहीं थी। गाइस ये वो शाची वही लड़का है जो अभी हमने देखा था, जब तुझे तूने शुरू में ये सब मना कर दिया था, तब तो यह क्यों मंडरा रहा है?
हेलो, तुम अभी भी हैंडसम लग रहे हो बिना ग्लासेस के जैसे तुम पहले लगते थे। एक्चुअली इन सारे सालों में मैं यहाँ से चला जाऊँगा थोड़े समय के बाद, तो तुम्हें मुझे और कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है मेरी वजह से कि तुम जाना चाहते हो? अगर नहीं तो क्यों? अगर तुम्हारे पास कोई मुसीबत है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये कुछ भी नहीं है, इससे तुम्हारे कुछ लेने देने नहीं है। मैं वापस जा रहा हूँ। गाइस मुझे टन टन की आवाज़ आ रही है, मैं भी गोलगप्पे वाला चेक करने जा रही हूँ, तो मेरा इंतज़ार करना।